जब समय का तमाचा पड़ता है ना, तो कोई फकीर तो कोई बादशाह बन जाता है। कहते हैं समय के साथ बदल जाओ, अगर समय ने बदला ना तो बड़ी तकलीफ होगी। हेलो एवरीबॉडी, हियर आई एम सोनू शर्मा, इंस्पिरेशनल स्पीकर, लीडरशिप कंसल्टेंट एंड लाइफ कोच। आज बात करूंगा वक्त। भगवान ने किसी को ज्यादा सुंदरता दी है तो किसी को कम, किसी को ज्यादा बुद्धि दी है तो किसी को कम, किसी को ज्यादा दौलत दी है तो किसी को कम, लेकिन समय सबको बराबर दिया है। आज तक यही सुना था कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, लेकिन ये सच नहीं है। एक दिन में 24 घंटे नहीं होते। और हां, घड़ी से धोखा ना खाएं, क्योंकि आपका एक दिन उतने ही घंटे का होता है जितने घंटे का आप सही इस्तेमाल करते हैं। कभी आराम से बैठकर सोचिए कि आजकल टाइम की इतनी कमी क्यों महसूस होती है। बहुत सी चीजों के लिए टाइम ही नहीं मिलता, दिन ऐसे निकल जाता है कि पता ही नहीं चलता। आज बच्चों के पास मां बाप के साथ बैठने का वक्त नहीं है, मां बाप के पास बच्चों के लिए वक्त नहीं है, दोस्तों से मिलने के लिए वक्त नहीं है, इवन पति और पत्नी के पास एक दूसरे के लिए वक्त नहीं बचा। सभी दौड़ रहे हैं लेकिन पहुंच कोई नहीं रहा। आज हर आदमी जल्दी में है, रेड लाइट ग्रीन होने पर आप सिर्फ 5 सेकंड रुक जाएं, पीछे वाली जनता आप में डंडा चढ़ा देगी और 2-4 बढ़िया बढ़िया गालियां आपको रसीद कर देगी। सबको कहीं जाने की जल्दी है लेकिन फिर भी साला समय पर कोई नहीं पहुंच रहा। साथियों, गुमशुदा होने की अगर बात करें ना, तो ये समझ पाना बेहद मुश्किल है कि वो 8 घंटे कहां चले जाते हैं जो कि 8 घंटे की नींद और 8 घंटे की नौकरी के बाद बचते हैं। मेरा पर्सनल ये मानना है कि जो लोग अपने समय का सबसे बुरा उपयोग करते हैं, वही सबसे पहले इसकी कमी का रोना रोते हैं। संसार हर उस व्यक्ति को जगह देने के लिए एक तरफ हट जाता है जो जानता है कि वह कहां जा रहा है। अगर आपको वह फसल पसंद नहीं है जो आप काट रहे हैं, तो उस बीज की जांच जरूर करें जिसे आप बो रहे हैं। 24 घंटे का बेस्ट यूज करने के आज मैं आपको 5 प्रिंसिपल बता देना चाहता हूं कि कैसे आप अपने 24 घंटे का बेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। महात्मा गांधी के पास 24 ही घंटे थे, विवेकानंद के पास 24 ही घंटे थे, दुनिया के महान लोगों के पास 24 ही घंटे थे, लेकिन उन्होंने अपने 24 घंटे का बेस्ट यूटिलाइजेशन किया। आज मैं आपको 5 प्रिंसिपल बता सकता हूं कि जिसका इस्तेमाल, जिसको इंप्लीमेंट करके आप अपने पूरे जीवन को बदल सकते हैं। प्रिंसिपल नंबर 1, याद रखिए, आपको सबसे पहले सूरज को जगाना शुरू करना होगा। जी हां, मैं रिपीट करता हूं, आपको सबसे पहले सूरज को जगाना शुरू करना होगा। इफ यू रीड सक्सेस स्टोरीज ऑफ ऑल द ग्रेट लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड, अगर आप पढ़ें सफल लोगों की कहानियां, तो आप पाएंगे सब सफल लोगों में एक हैबिट कॉमन पाई जाती है, ऑल ग्रेट लीडर्स आर अर्ली राइजर्स। और मेरा हमेशा से यह मानना है कि आप जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होते अगर सूरज आपको जगाता है, और आप जिंदगी में क्रांति मचा सकते हैं अगर आप सूरज को जगाना शुरू कर दें। जल्दी उठिए ताकि आपको एक लंबा दिन मिले और आप अपने सपनों को पूरा कर सकें। प्रिंसिपल नंबर 2, सबसे महत्वपूर्ण काम सबसे पहले करें। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल मैं आपको बता देना चाहता हूं। मेरी यह बात हमेशा याद रखें कि मूर्ख व्यक्ति जो काम अंत में करता है ना, बुद्धिमान व्यक्ति उस काम को तत्काल कर देता है। मैं रिपीट करता हूं, मूर्ख व्यक्ति जो काम अंत में करता है, बुद्धिमान व्यक्ति उस काम को तत्काल कर देता है। दोनों एक ही काम करते हैं, फर्क सिर्फ समय का होता है। इस दुनिया में बोले या लिखे गए सबसे दुखद शब्द क्या है, मैं आपको बताता हूं, मैं ये काम कर सकता था लेकिन अब वक्त निकल गया। याद रखें, अच्छा काम तुरंत करें और बुरे काम को कल के लिए पोस्टपोन कर दें। अच्छा काम तुरंत कर दें और बुरे काम को कल के लिए पोस्टपोन कर दें, यह बात आप राजा रावण से सीख सकते हैं। रावण ने काल को बांध रखा था, कहता था जब मन करेगा मार दूंगा, कल मार दूंगा, कल मार दूंगा, उसका कल कभी नहीं आया, और इतने में काल ने ही निपटा दिया। इसीलिए कहा जाता है कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब,
पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। जो काम रावण के हित के लिए था उसको वो टालता रहा कल पे, और जो काम जिस काम ने उसका समूल नाश कर दिया उस काम को रावण ने तुरंत कर दिया। देखिए सीता जी का हरण तुरंत कर लाया, यहां नहीं कहा कि कल करूंगा, यहां नहीं सोचा कि कल करूंगा, तुरंत करा बुरा काम, तुरंत किया, और जो काम उसके हित का था उसको वो टालता रहा। तो हमेशा ध्यान रखिए कि सबसे इंपॉर्टेंट काम सबसे पहले करें। अब प्रिंसिपल नंबर 3 बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर ये प्रिंसिपल आपने समझा, अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट किया, तो आपकी लाइफ 360 डिग्री पे बदल सकती है। अगले 3 साल में आपका भविष्य चेंज हो सकता है, आपको वो सब मिल सकता है जो आप जिंदगी में पाना चाहते हैं। साथियों मैं बोलता हूं एजुकेशन ऑन व्हील्स, मैं इसको बोलता हूं एजुकेशन ऑन व्हील्स। यहां यात्रा के समय का सबसे ज्यादा उपयोग करें। मैं कहता हूं एजुकेशन ऑन व्हील्स क्या होता है। एवरेज ड्राइव टाइम किसी भी व्यक्ति का आज की डेट में, कोई भी एक वर्किंग आदमी है जो नौकरी कर रहा है, उसका एवरेज ड्राइव टाइम है 2 घंटा एक दिन का। वो 2 घंटे की ड्राइव कर ही रहा है, इसका मतलब उसके रास्ते में 60 घंटे निकलते हैं, आने और जाने में वो 1 महीने में 60 घंटे निकालता है। उसका ट्रेवलिंग टाइम 1 महीने में 60 घंटे का है। इस हिसाब से 1 साल में उसका एवरेज ट्रेवलिंग टाइम है 720 घंटे, यानी 10 साल में 7200 घंटे वो ट्रेवलिंग कर रहा है, और ये सारा टाइम अनप्रोडक्टिव है, कोई फायदा उसका वो उठा नहीं रहा। इसको आप प्रोडक्टिव बना सकते, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, 7200 घंटे का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आज मैं आपको एक शानदार बुक रेफर कर रहा हूं, 15 सीक्रेट्स सक्सेसफुल पीपल नो अबाउट टाइम मैनेजमेंट। वो 15 सिद्धांत जो सफल लोगों को पता है टाइम मैनेजमेंट के, और ये सारी बुक समरी सुनने के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं कुकू FM, जो इंडिया का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है, और यहां आपको 1000 से ज्यादा शानदार ऑडियो बुक्स मिल जाएंगे, और ट्रेवलिंग करते हुए अपने टाइम का बेस्ट यूज कर सकते हैं। कुको FM का ईयरली सब्सक्रिप्शन ₹399 का है, पर मेरा कोड SONO50 यूज करके इसका ईयरली सब्सक्रिप्शन आपको 199 में मिल जाएगा, और यह ऑफर सिर्फ पहले 500 लोगों के लिए है। कुको FM का डाउनलोड लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप आसानी से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। वापिस लौटते हैं अपने टॉपिक पर और बताता हूं आपको प्रिंसिपल नंबर 4, स्टॉप वॉचिंग टीवी एंड ऑल OTT प्लेटफॉर्म्स। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, नेटफ्लिक्स डज नॉट कॉस्ट यू ₹500, इट कॉस्ट यूर टाइम। देर इज ऑलवेज अ हिडन कॉस्ट, रिमेंबर माय वर्ड्स, व्हेन समथिंग इज फ्री यू आर द प्रोडक्ट। स्टॉप वॉचिंग टीवी इफ यू कैन। साथियों आप हैरान होंगे जान के, इंडिया और जिम्बाब्वे का मैच भारत का कप्तान रोहित शर्मा नहीं देखता और लोग सारा सारा दिन बैठ के देखते हैं। बांग्लादेश और आयरलैंड जैसी टीमों का मैच उनके खुद के घर वाले नहीं देख रहे, और हम और आप पूरा पूरा दिन बैठ के देखते हैं। आपके पास टाइम वेस्ट करने के लिए कितना है। कभी कभी मुझे फील होता है कि द पैशन यू हैव टू सी द इंडियन क्रिकेट सक्सीड। आप भारतीय क्रिकेट को जिस बुलंदी पर देखना चाहते हैं ना, अगर वो पैशन आपका खुद की सक्सेस के लिए हो, यू विल बी लेजेंड इन द मार्केट। लाइफ इज स्लिपिंग माय डियर, लाइफ हाथ से निकल रही है, एंड पीपल वेस्ट देयर मेजर टाइम इन माइनर एक्टिविटीज और स्पेंड देयर माइनर टाइम इन मेजर एक्टिविटीज। मान लीजिए आपके हाथ में एक जादुई वैंड हो और आपको एक विश मिल जाए और आपको कहा जाए कि आप जो चाहें जिंदगी में कार परचेस कर सकते हैं। आपके हाथ में एक मैजिकल वैंड हो और आपको एक विश मिल जाए, आप जो चाहें कार पसंद कर सकते हैं, जिस रंग की चाहें पसंद कर सकते हैं, जो मॉडल चाहें पसंद कर सकते हैं, अंदर जो जो लगाना चाहें पसंद कर सकते हैं, रॉल्स रॉयस से लेकर फरारी से लेकर आपका जो मन है आप पसंद कर सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन है कि वो गाड़ी लेने के बाद जिंदगी में आप कभी दूसरी गाड़ी नहीं ले पाएंगे। तो अंदाजा लगाइए आप उस गाड़ी का कैसे इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जिंदगी में एक और आखिरी गाड़ी आपको मिली है, फिर दोबारा आपकी जिंदगी में कोई नई गाड़ी नहीं आएगी। आप उसका टेक केयर करेंगे, उस गाड़ी का कितना ध्यान रखेंगे साथियों, क्योंकि अगले 30 40 50 बरस वही गाड़ी आपको चलानी है। तो ये जीवन, ये जिंदगी भी एक ही बार मिली है, इसका ध्यान रखना, इसका टेक केयर करना आपके हाथ में।
प्रिंसिपल नंबर 5 आप सबको बता देता हूं, ऑर्गेनाइज योर बी ऑर्गेनाइज ऑलवेज मेक टू डू लिस्ट एवरी नाइट। हर रात को एक टू डू लिस्ट बनाएं, जो मैं करता हूं हमेशा, जो भी आपको अगले दिन करना है उसका लिस्ट रात में बना लें और अगला सारा दिन उसी लिस्ट के हिसाब से काम करें। लेडीज एंड जेंटलमैन, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह होती है कि लोगों को पूरे दिन में पता ही नहीं होता कि करना क्या है। एक रात पहले, सोने से पहले एक टू डू लिस्ट बनाएं कि अगले दिन मुझे ये 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 काम करना है। इट्स लाइक अ गाइडिंग फोर्स जो आपको गाइड करेगा कि आपको जाना कहां है। विदाउट टू डू लिस्ट इट्स लाइक ड्राइविंग अ कार ऑन अ स्लिपरी रोड। आप स्लिपरी रोड पे गाड़ी चला रहे हैं अगर आपके पास टू डू लिस्ट नहीं है। कभी आपकी गाड़ी यहां जाएगी, कभी आपकी गाड़ी वहां जाएगी, लेकिन अगर आपके पास लिस्ट है, आपको पता है कि मुझे पूरे दिन में ये करना है और जो जो होता जा रहा है उस पर टिक मारते जाइए। अगर आप ये काम कर सके अगले कुछ साल तक, मैं आपको बता सकता हूं आप चुनिंदा उन 1% लोगों में शामिल हो जाएंगे जो अपने टाइम का बेस्ट यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं उम्मीद करता हूं कि आज के ये 5 प्रिंसिपल्स आप अपने जीवन में अप्लाई करें। इस वीडियो में कमेंट बॉक्स में ये जरूर लिखें कि आप नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर देखना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों की डिमांड थी कि टाइम मैनेजमेंट पे एक वीडियो शूट किया जाए, तो आज मैं बना रहा हूं। आप जो भी वीडियो, जो भी टॉपिक चाहते हैं, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें और बताएं कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा, कौन सी बात आपके दिल को सबसे करीब लगी, कौन सी बात आपके दिल को छू गई। अगले फिर किसी और वीडियो के साथ फिर आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। जय हिंद।